न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि आज हमको जाना है वैक्सीनेशन के लिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी मैं खा रही हूँ चाय, पोहा, चिप्स। बाल के चिप्स नहीं बोल रहे, वो समझ जाएंगे बाल के। आप रेडी तो हो जाओ। मैं रेडी हूँ। तो गाइस सब चलते हैं, टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। हम लोगों को सोच रहे थे 9:30 बजे निकलेंगे, बट निकलते निकलते 10 बज गया है, पहुंचते हैं। और इनका ऑफिस भी है ना आज, तो इसलिए थोड़ा सा और जल्दी पहुंच रहे हैं क्योंकि उसके बाद फिर इनका मीटिंग भी रहेगा। तो सोच रहे हैं कि घर आके फिर मीटिंग कर लेंगे वैक्सीनेशन होने के बाद। अगर लेट हो जाएंगे ना तो फिर ऑफिस ही अटेंड करना पड़ेगा, फिर हम घर आने में लेट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वैक्सीनेशन करवा के आते हैं। ये निकाल रहे हैं पार्किंग से गाड़ी। येलो से स्लो स्लो स्लो, ब्लैक से ब्लैक नहीं होता है। हम लोग 50 भी नहीं चलाते, 40 चलाते हैं कि चालान ना कट जाए ना। ये यहाँ पे लगे हुए हैं कैमरे। आज सही है। इनको रोज इनकी खोपड़ी नहीं दिखती, आज इनको खोपड़ी दिख रही। सर के सारे बाल झड़ गए हैं आज के। 149 149 149। देखो ये धूप और वो गाड़ी आ रही है अपने ऑफिस में। हाय तो बोल दो। अभी हमको थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आ गया है। आप बैठ जाओ, आपका लगना है, बैठो। डर लगता है। ब्रेकफास्ट किया अच्छे से? हाँ ठीक है। क्या खाया आपने? पोहा। पोहा खाया? ठीक है, इसको दबा दो। इसको देखो क्या खाते हैं। हमारा वैक्सीनेशन हो गया है, ये आके ऑफिस का काम करने लग गए हैं। तो उन्होंने बोला है शायद फीवर भी आ सकता है, फीवर आएगा तो पैरासिटामोल लेनी है ना। मेरा हर बारी बारी से हो रहा है, कड़क कर लेगा ना थोड़ा सा। आपका नहीं हो रहा दर्द? मुझे नहीं होता, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, तरीका होता है ये दर्द। मुझे मतलब बेकार था, मुझे ये बस मुझे जब से गोल 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 कुर्सी पे घुमाया जा रहा है और मुझे ना घूम घूम के चक्कर आने लग गए हैं कुर्सी पे। देखो कैसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है। बस बेटू मम्मा गिर जाएगी चक्कर खा के। पापा इधर हैं, यहाँ है पापा, इस चेयर पे बैठो। ओह ये क्या बन रहा है? आर यू डी? चलो यार मिलते हैं, बाय। चल रही इधर से हवा चल रही ना। हाँ तो पानी उड़ रहा है। गुड़गांव में हो रही इतनी तेज वाली बारिश प्लस तूफान, दोनों चीजें साथ में। पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं,
पता चल रहा है मीटिंग. But which vaccine did they stick into you? It's a Covishield. There is only two vaccines actually here we generally everyone use. Covaxin and Covishield. One is the one is the Indian one, another one is the joint and you know joint partnership with AstraZeneca. Yeah, AstraZeneca. The Oxford AstraZeneca one. Is that the one you had? I mean generally people go for Covaxin actually. Yeah. That's Indian made. Yeah, that's because that's I mean people say it's more effective and more I mean they did not have seen any side effect or anything like that. I don't know. Sure, that's not actually, it's made on the principle where they just put dead COVID virus actually inside the body. All right. Well, that's quite interesting. Yes. Right. You have to go there. Yes. Right. Oh. Oh, that's very nice. He was doing is that the me? Yeah. No. Yeah, actually, he's doing some colors. I don't know if you can see this or not. Oh, that is nice. Yeah. Cool. Well, he's been very good. Yeah. He's shy. Okay, cool. Bye. That's... Bye. जोरदार बारिश एंड जोरदार तूफान के बाद ईद निकली है जोरदार धूप. ऑफिस में आके इसको एक चीज़ अच्छी लगी है, बार बार टेबल को ऊपर करना नीचे करना. ये देखो ऊपर कर ली है. हाँ बहुत ऊंची हुई है, बहुत नीचे करो. हाँ नीचे करो नीचे करो. हाँ लेवल में लेके आओ. गुड. ये देखो इतना ऊपर लेके जाता है ये टेबल को. चुप गए थे हम, बाबू भी चुप गया था इसलिए हम भी चुप गए थे. बाहर निकलते ही इतना तेज ना तूफान चल रहा है. देखो जरा अंदर तो पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी. इतना अच्छा वाला मौसम हो रहा है, एकदम बादल छाए हुए हैं. इनका तो मैंने एसी बंद करवा दिया, मैंने कहा तो बाहर की फ्रेश हवा लेते हैं. बहुत अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम है ना. इनको तो गर्मी लग रही है एकदम. बाहर देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो गई, बारिश के बाद धूप निकल आई एंड फिर से बारिश का मौसम हो गया है ना. अच्छा नहीं लग रहा आपको? आपको तो मजा आ रहा होगा ऐसे ड्राइव करने में. मौसम ना इतना इतना ज्यादा अच्छा हो रहा है ना, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं एंड एकदम ऐसा लग रहा है बादल इतने छाए हुए ना कि बारिश होने ही वाली है, बट बारिश हो नहीं रही. लोग ना रास्ते भर से वेट करते आ रहे हैं, अब होगी तो हम बस थोड़ा सा और पहुंचने वाले हैं. रास्ते में सोचा पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लेते हैं एंड फिर कल हमें कहीं निकलना भी है उसके लिए. सो सबसे पहले गाड़ी को फुल करवाते हैं, उसके बाद कल निकलेंगे. इसने बहुत एंजॉय किया है अपनी फ्रेंड के साथ. फ्रेंड है या दीदी है? वो दीदी है राज की, वो दीदी है. तो इनकी फ्रेंड की बेटी आई हुई थी जो आप पिछले ब्लॉग में भी देख चुके हो. दीदी को बेटा बोल रहा. जब भी हम वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो उनका भी रहता है उसी दिन, तो वो हमें मिल जाते हैं वो लोग भी है ना. एंड उदांश को भी मस्ती करने के लिए उसको बेटा बोल रहा था. बेटा अच्छा उसको बेटा बोल रहा था. और उसके पापा को क्या बोल रहे थे आप? भैया. हो गया क्या करूंगी मैं बिल का. अरे एक बार क्या हुआ, बगल में मैं खड़ा सिग्नल पे, पता नहीं पीछे को क्या हुआ, वो सो गया या क्या हुआ, उसका हैंडल ऐसा हुआ होगा चल हुआ. वो पीछे का था, मैंने फिर घर जाके उसको घेसा तो निकल गया. वो ऐसे रहते जो ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं तो. हमको रास्ते पर बारिश नहीं मिली, बस इतनी सी बारिश मिली है. ये देखो कांच पे दिख रही है 8-10-20 बूंद, बस इतनी सी. गिन नहीं सकते इतने बूंद. हाँ मतलब कांच भी गीला नहीं हुआ, इतनी बूंद है बस. तो ये तो आने के बाद चेंज करने के बाद मीटिंग करने बैठ गए एंड मैंने बनाई हुई है मस्त गर्मा गर्म चाय. सो बारिश जैसा मौसम वैसे ही हो रहा है तो ये ऑफिस से पी के आए हैं.
बट घर की चाय में जो स्वाद होता है वो मशीन वाली चाय में कहाँ स्वाद होता है। आज तो मेरे पता है मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे ना वो भी रखे हुए हैं, पोहा बनाया था, ये कढ़ाई भी रखी हुई है एंड सिंक में बर्तन रखे हुए हैं सुबह चाय के एंड ब्रेकफास्ट के। तो वो अभी मैं धोंगी क्योंकि सुबह हम ब्रेकफास्ट करने के बाद ही निकल गए थे, लंच वगैरह जो था हमने ऑफिस में ही खा लिया था। अभी शाम को बज रहा है 5, हम लोगों को 5 बज गया है वहीं पे एंड मेरी हालत देखो कैसी हो गई, एकदम लोटी पिटी सी। और अभी मैंने बनाई है चाय, डिनर भी रेडी हो गया। डिनर में बना हुआ है छोले, बिल्कुल एकदम रसीले टाइप के बने हुए क्योंकि इनको खाना है राइस के साथ। मैंने रोटी नहीं बनाई है क्योंकि ना हाथ में दर्द हो रहा ना तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कुछ रोटी जैसा बनाने का, तो छोले चावल बना लिए। छोले इन्होंने बना दिए थे, चावल मैंने बना लिए हैं। थोड़ा सा ना बॉडी में भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फीवर जैसा आएगा बट देखते हैं पता नहीं क्या होता है, बट हरारत टाइप की लग रही है, फीवर भी नहीं बट हरारत हो रही है हल्का सा, ऊपर को जब हैंड ऐसा करी ना हल्का सा दर्द भी है और कुछ नहीं। बाकी तो चलिए डिनर करते हैं और कल फिर हम लोगों को कहीं जाना भी है, देखते हैं अगर फीवर नहीं आया तो कल जाएंगे। इस वीडियो का मैं ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो आज की वीडियो को लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।